बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीबी ट्रू न्यूज़ के साथ मैं हूं सईद मीरबादुल्ला और आज हम मौजूद हैं अलम इकबाल पार्क रावलपिंडी में, जिसका पहले नाम नवाज शरीफ पार्क से इनको मंसूब किया जाता था। आज यहां हमारे साथ कुछ लड़के मौजूद हैं पिंडी के ही, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पार्क के बारे में या पिंडी के बारे में। मज़ीद अपडेट्स के लिए जीबी ट्रू न्यूज़ एसटी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को पर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली पिंडी से बिलोंग करता हूँ भाई। पिंडी से बिलोंग करते हैं आप, यहाँ किस लिए आए हुए हैं इस टाइम? मैं बस वैसे ही गुजर रहे थे तो मैंने कहा जरा एनवायरनमेंट चेक कर लें या झूले वगैरह देख लें, बस वो देखने के लिए। मतलब आप फ्रेश होने के लिए आए हैं? हाँ, फ्रेश कर। अच्छा, आप मुझे अपने कोई टैलेंट के बारे में बताएं। टैलेंट ऐसा कोई खास है नहीं, बस स्टूडेंट है, कभी एक बार टिकटॉक का थोड़ा शौक रखते हैं, बना लेते हैं कभी। अच्छा, आप टिकटॉकर हैं? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत कभी एक बार, अभी तो स्टार्ट किया हमने। अच्छा अच्छा, तो टिकटॉक के हवाले से लोग जो है ना टिकटॉकर्स को बड़ी गालियाँ देते हैं। हाँ, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये वाकई एक बुरी ऐप है? नहीं, बुरी ऐप तो नहीं है, बट इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो आजकल की जो लड़कियाँ जो इस टिकटॉक पर जाके जो गलत काम करती हैं, मतलब कि गलत काम तो नहीं कह सकते, लाइक ड्रेसेस जो गलत पहनती हैं अपने घर की, उसे क्या कहते हैं, इज्जतों को रोलते हैं लड़के लड़कियां, ये चीज़ें गलत ट्रेंड में आती है। तो बाकी टिकटॉक अच्छा ऐप है, बंदे को अपना टैलेंट दिखाने को मौका मिलता है तो दिखाना चाहिए बंदे को टैलेंट। आप फेमिनिज्म को जो है ना सपोर्ट करते हैं? हाँ, फेमिनिज्म को आप सपोर्ट करते हैं एज अ टिकटॉकर या एज अ मैन? एज अ मैन। एज अ मैन, चले थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी इम्तियाज़ नाम है मेरा। आपका? तौकीर अहमद शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, तो आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, बेसिकली आई बिलोंग टू मानसेरा बट आई एम लिविंग हियर इन रावलपिंडी नाउ। तीनों मानसेरा से बिलोंग करते हैं आप? या थ्राइस। अच्छा, आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल। अच्छा, टूरिज्म के हवाले से आपके माइंड में जब गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेते हैं तो क्या आता है? जी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, वैसे मौका नहीं मिला, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है वहाँ जाने की। जैसा कि गिलगित का, स्कर्दू का, हंजा का, शिंगरिला लेक वगैरह, ये वो स्पॉट्स हैं जिनके बारे में मैंने देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, उसके अलावा लोगों से सुन रखा है और चाहता भी हूँ मैं वहाँ जाऊँ, और जो ही मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। सही हो गया। गिलगित बल्तिस्तान को आपने सुना होगा, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस भी देखी होंगी, पिक्चर्स भी देखी होंगी। स्विट्ज़रलैंड ऑफ बल्तिस्तान के, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। Exactly. तो आपने वीडियोस और पिक्चर्स देखी है और आपके क्या ख्याल आते हैं, वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत है कि उसको स्विट्ज़रलैंड से बहुत मतलब? एग्जैक्टली, मैंने बहुत सारी, क्योंकि मुझे शौक़ है, सैर व तफरीह का शौक़ है और मैं जाता भी रहता हूँ, नारा कागान वाली साइड 2-3 चक्कर लगे हैं मेरे। लेकिन बात की जाए गिलगित की तो स्विट्ज़रलैंड की भी जैसे मैंने एक्सप्लोर की हैं कुछ वीडियोज़, तो अगर कंपेयर किया जाए तो कम नहीं है बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी एक स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जा सकता है ऑब्वियसली। आपके क्या ख्याल आते हैं जीबी के टूरिज्म को? सही है, मैं भी काफ़ी मैंने सैर व तफरी की है कश्मीर वाली साइड पे और नारा कागान वाली साइड पे, और गिलगित बल्तिस्तान की भी मैंने वीडियो देखी हैं तो बहुत प्यारी। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ गिलगित बल्तिस्तान का टूर? इंशाल्लाह आइंदा जाने का है, प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इस गर्मियों में जाऊँगा। सही हो गया, चले हमारी ख्वाहिश है कि आप जल्द जाएं और गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना एक्सप्लोर करें। जीबी ट्रू न्यूज़ के साथ सईद मीरबादुल्ला, रावलपिंडी।